Hi guys, I'm Stuti from eVidyarthi. और इस session में हम करेंगे दो illustrations, illustration 15 और illustration 16. Simple से illustrations हैं, बस थोड़ी सी complicated calculation है जिसे हम बहुत ही easily solve कर देंगे. Start करते हैं. हम start करेंगे illustration number 15 से. ये है page number 18.19 पे of the book T.S. Grewal. And yeah, chapter चल रहा है financial statements. तो start करते हैं. Question में given है net sales for the year ended 31st March 2017 is rupees 9 lakhs. If the gross profit is 25% of cost, find the gross profit and the cost of goods sold. तो हमें क्या find करना है? एक तो हमें gross profit find करना है और एक cost of goods sold find करना है. तो दोनों चीजें find करेंगे. हम कर रहे हैं 15th illustration. Sales हमें given है rupees 9 लाख की और ग्रॉस प्रॉफिट मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है बट आप फुल फॉर्म ही लिखेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑफ कॉस्ट. तो कुछ 6th-7th क्लास में हमने एक बहुत अच्छी सी एक अच्छा सा फॉर्मूला सीखा था यूनिटरी मेथड का. तो वही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे. देखते हैं कैसे. मान लो सेल्स है रुपीस 100 की, सॉरी मान लो कॉस्ट है रुपीस 100 की, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25% बोला है यानी 100 रुपीस का 25% हो गया रुपीस 25. तो फिर सेल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेल्स की वैल्यू हो जाएगी रुपीस 100 प्लस रुपीस 25 यानी कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. हमारी सेल्स की वैल्यू हो जाएगी 125 रुपीस. अब इसी की हेल्प से हम यूनिटरी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अगर सेल्स 125 है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 25. अगर सेल्स 9 लाख की है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 9 लाख इनटू 25 डिवाइड बाय 125. ये मैंने कुछ नहीं करा है, सिंपली यूनिटरी मेथड अप्लाई करा है जो हमने 6th-7th क्लास में सीखा होता है. बच्चों को भी आता होता है तो आपको तो डेफिनेटली आता होगा. तो ये है हमारा फॉर्मूला निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट. यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं. लेट ये लिख दिया और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनटू क्या करा था हमने इनटू 25 अपॉन 125. हमारे पास इसका अमाउंट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का रुपीज 1,80,000. ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट. अब बारी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे दो चीजें मांगी थी. पहली चीज हमने कर दी ग्रॉस प्रॉफिट, अब बारी है दूसरी चीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अगेन मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप पूरी फुल फॉर्म ही लिखेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. तो सेल्स हमें गिवन है 9 लाख रुपीस की माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है 1,80,000 का. ये फॉर्मूला कैसे आया? आपको याद होगा कि जीपी का फॉर्मूला हमने सीखा था सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यही फॉर्मूला हमने प्रीवियस सेशंस में सीखा था. तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इधर ले आऊं यानी लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं और जीपी को इधर ले जाऊं यानी राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और अब हमें पता चल जाएगा कि हमारी कॉस्ट कितनी थी. हमारी कॉस्ट आ जाएगी रुपीज 7,20,000. तो क्लियर हो गया ये वाला इलस्ट्रेशन. हमें दो चीजें निकालने के लिए बोली थी ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों हमने फाइंड कर ली.
ये था इलास्ट्रेशन नंबर 15। अब हम करेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 16। ये भी है पेज नंबर 18.9 पे टीएस ग्रेवाल बुक में। तो हम स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 16। पढ़ते हैं क्या लिखा है। कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, कैश सेल्स 60,000 की, क्रेडिट सेल्स 40,000 की, परचेज 70,000 की, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट का 33/1/3%, यानी 1/3 ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो अब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। क्लोज कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक आता है, सोचो। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें क्लोजिंग स्टॉक, भाई क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है तो कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना जिसमें क्लोजिंग स्टॉक आता हो। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक की फिगर हम इंक्लूड करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूला होता है जिसमें हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इधर उधर करें, मतलब ऐसे जैसे हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए करा था, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला। अब इसी की हेल्प से हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे। तो पहला काम करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 20,000 रुपीज का, तो 20,000 रुपीज लिख देते हैं। नेट परचेजेस, परचेजेस देखते हैं क्या हमें गिवन है। हाँ, हमें परचेजेस 70,000 की गिवन है, परचेजेस लिख दिया 70,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम इसे जीरो ही लिख देंगे। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें निकालना पड़ेगा, कैसे देखते हैं। हमें सेल्स दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दे रखा है, तो सेल्स हमें दे रखी है, कैश सेल भी दे रखी है और क्रेडिट सेल भी दे रखी है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगी। कैश सेल्स है हमारे पास 60,000 और क्रेडिट सेल है हमारे पास 40,000, तो टोटल सेल्स हमारे पास आ गई 1,00,000 रुपीज की। और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दे रखा है हमें 1/3 ऑफ कॉस्ट। 1/3 ऑफ कॉस्ट का मतलब हो गया वन बाय फोर ऑफ सेल्स। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, जादू एकदम, कैसे देखते हैं। यहाँ पे हमने ये जो यूनिटरी मेथड इलास्ट्रेशन 15 में जो यूनिटरी मेथड अप्लाई किया था उसी का ये एक शॉर्टकट है, मैं आपको सिखाती हूँ। अगर कॉस्ट का जो भी परसेंटेज है, जो भी फ्रैक्शन है, 1/3 है ऑफ कॉस्ट, तो अगर हमें सेल्स का परसेंटेज, यानी हमें निकालना है कि जीपी सेल्स का कितना परसेंट होगा, तो जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में प्लस कर दो, यानी 3+1, तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1/4 ऑफ सेल्स। ऐसी अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि कॉस्ट 1/4 है कॉस्ट का, जीपी है 1/4 कॉस्ट का, तो सेल्स का कितना परसेंट हो जाएगा, 1/न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यानी 1/5 ऑफ सेल्स। ऐसे करके इस शॉर्टकट की हेल्प से हम रेट्स की हेल्प से जीपी या फिर सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं। अगर मान लो दिया हुआ है 1/5 ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कितनी परसेंटेज होगी, न्यू उस केस में हो जाएगा डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। जब हम कॉस्ट से सेल्स पे जा रहे थे तो हमने प्लस करा था, बट जब हम सेल्स से
cost पे आएंगे तो हम minus कर देंगे, यानी denominator minus 1 minus numerator, तो ये आ जाएगा 1 by 4 of cost. तो आ गया समझ, जब cost से sales पे जाओगे तो numerator और denominator को add कर दोगे, और जब sales और जब sales से cost पे आओगे तो numerator और denominator को subtract कर दोगे. तो ये था एक point, एक shortcut जो आपको exam में आपका टाइम सेव करने में बहुत हेल्प करेगा. तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम करेंगे. अगर 1 by 3 of cost है तो 1 by 4 of sales हो गया, यानी हमारा जीपी कितना हो गया, 1 by 4 of sales की वैल्यू हमें गिवन है 1 लाख. हमारा जीपी हो गया रुपीस 25,000. अब हमें निकालना है, हम काम किसके लिए कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए. तो अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, हमने यहां से देखा था सेल्स माइनस जीपी इलस्ट्रेशन 15 में, तो वही यहां पे भी अप्लाई करेंगे, सेल्स माइनस जीपी कितना आ जाएगा, सेल्स है हमारी 1 लाख लेस ग्रॉस प्रॉफिट हमने अभी-अभी निकाला 25,000 रुपीस. 25,000 रुपीस को सबट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 75,000 रुपीस. ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब हम इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे जो हमें क्वेश्चन ने निकालने के लिए बोला था. 75,000 हमारे पास कितना आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ रही है हमारे पास 15,000 रुपीस. ये आ गया हमारे पास 15,000 रुपीस का क्लोजिंग स्टॉक. तो इस तरह से हमने निकाला इलस्ट्रेशन 16. आपको अगर कोई भी फिगर निकालनी है तो सबसे पहले उसका जहां से वो फिगर आएगी वो फॉर्मूला लिख लो, और फिर जो जो आइटम्स उसमें जरूरत है उन सबको फाइंड करके पुट करके वैल्यू निकाल लो. ये होता है सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और बेसिक तरीका किसी भी मिसिंग वैल्यू को फाइंड करने का. तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन समझ आए होंगे और कुछ शॉर्टकट्स जो हमने आज सीखे. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.